तो जो भी देख रहा है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ सोनी जी का। ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की पार्ट रह चुकी है, इन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इंडियन वुमेन्स टीम के लिए, और इनका जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो आई होप स्पेशली जो भी लड़कियां देख रही है वो ऐसे एथलीट से कुछ तो इंस्पिरेशन ले आज। तो कैसा चल रहा है आपका सर क्वारंटीन? बस घर में होम वर्कआउट एंड ऑल। तो आपका जी ये जो क्रिकेट का जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुआ? जब मैं छोटी थी तो मैं गली क्रिकेट खेलती थी लड़कों के साथ, मतलब वही टेनिस बॉल से मुझे बहुत शौक था। तो मैं उनके साथ जैसे वो आपस में जैसे गली गली के जो टीम बनाते थे और हम एक टूर्नामेंट करते थे जब बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं उनके साथ ही खेलती थी। सारे कहते थे नहीं हम तुझे नहीं खिला रहे, तू लड़की है ये वो। तो मैं कहा नहीं यार मेरे को भी खेलना है, प्लीज यार मुझे भी खिलाओ। तो वो मुझे खिलाते थे, और फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा खेल रही है, तो मतलब वो ऐसे करते थे नहीं सोनी हमारी टीम में, सोनी हमारी टीम में है। तो क्रिकेट तो मेरा जैसे बचपन से ही स्टार्ट हुआ था, मतलब गली क्रिकेट से। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो वो अकेडमी एंड ऑल जाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे भी क्रिकेट में करियर बनाना है तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि वहां पे सारे लड़के आते हैं, तू कैसे प्रैक्टिस करेगी ये वो। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी, आप बात करो एक बार अपने कोचिज एंड ऑल से। तो उन्होंने मेरे बात की, मैं उनसे मिलने गई, सर ने बोला हाँ आप आ सकते हो बट यहाँ पे सारे लड़के ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कंफर्टेबल हो। मैंने कहा हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूँ। तो एक दो साल मैंने वहां पे प्रैक्टिस की, उसके बाद उन्हीं सर के एक फ्रेंड थे वो वहां पे आए थे एक दिन ऐसे घूमने, तो सर ने बताया कि मेरे यहाँ पे एक लड़की आती है प्रैक्टिस करने, अच्छी प्लेयर है तू देख उसको। तो सर मेरे से मिले, उन्होंने मुझे बोला आपने अभी कहीं से ट्राई किया है ट्रायल एंड ऑल? तो मैंने कहा नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दिल्ली टीम से DDC के ट्रायल्स है, वहां पे जाना और ट्रायल देके आना जरूर। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं वहां ट्रायल देने गई और मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया था दिल्ली टीम से। तो पहले स्टार्टिंग से ही आपने एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया या पहले बैटिंग पसंद थी और बाद में फास्ट बॉलिंग का इंटरेस्ट आया? नहीं ऐसा तो बीच कुछ नहीं था, मतलब वही बचपन में कहते हैं ना कि कुछ भी कर दो, ऑफ स्पिन भी डाल लो कुछ भी बॉल डाल लो। तो मतलब मैं ना तेज बॉल डालती थी, मतलब जब भी मैं मतलब छोटी थी तो तेज बॉल डालती थी। तो मैं जब वहां ट्रायल पे गई तो मुझसे पूछा आप क्या हो, तो मैंने बोला मैंने मतलब पता नहीं कैसे मैंने कहा मैम मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो फिर और फिर मैं तो सर मैम ने बोला ओके ठीक है। तो मैं जब वहां बॉल डाल रही थी तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझे बैटिंग नहीं देंगे, तो मैं खुद से ही गई मैम मैं बैटिंग भी करती हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों चलता था। तो अभी आप खुद को एज एन ऑलराउंडर मानते हो या सिर्फ फास्ट बॉलर मानते हो? नहीं नहीं मैं अपने आप को एज अ ऑलराउंडर मानती हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर मतलब। हाँ जी हाँ जी बॉलिंग ऑलराउंडर। तो आपका फैमिली का कितना सपोर्ट था, आपकी मदर का आपको कितना सपोर्ट था जब आपने उनको बताया कि मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है या क्रिकेट खेलना है? स्टार्टिंग में तो जैसे थोड़ा सा वो ऑब्जेक्शन उठाते थे, जैसे मैं छोटी थी 5 एंड 4 ईयर की, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा था कि नहीं ये सब चीजें नहीं करनी है। एक्चुअल में मैं गाजियाबाद से रहती हूँ, गाजियाबाद में रहती हूँ, तो गाजियाबाद से मुझे दिल्ली जाना फिर वहां से रात को लेट आना, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मम्मी मनाही करते थे कि आप कुछ और चीज देख लो स्टडी में वो कर लो। तो मतलब मेरे को एक वो था कि नहीं मेरे को अब इसी चीज में करियर बनाना है, और ये तो स्टार्टिंग में तो नहीं था, मतलब सो सो टाइप था। बट जब जैसे जैसे मैं अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ फिर मैंने सीनियर टीम में, तो धीरे धीरे उनका सपोर्ट भी हो गया कि जब ये इतना हार्ड वर्क कर रही है, तो उन्होंने भी फिर आगे मेरे को काफी सपोर्ट किया हर चीज के लिए। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि शायद आपके फादर को भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और आपने सोचा हाँ कि आप इसके लिए क्रिकेट में करियर बनाएंगे। हाँ एक्चुअल में मैं जब स्कूल में थी तो वहां पे क्रिकेट नहीं था, मैं खो खो और बैडमिंटन खेलती थी। मैं स्कूल में भी मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब जब हम छोटे थे तो इतना वो नहीं था कि किस चीज में क्या करियर या कैसे क्या, तो मतलब मम्मी ऐसे ही बताते थे। मैं जैसे आईपीएल आता था तो मैं पूरी आईपीएल की लिस्ट बना के रखती थी कि आज इसका और इसका मैच है और फिर कौन जीता। तो मतलब मेरे को
बहुत इंटरेस्ट रहता था क्रिकेट में। फिर मम्मी ने भी ये चीजें बताई कि पापा बहुत इंटरेस्ट लेते थे, वो बहुत क्रिकेट मतलब क्रिकेट टाइप बहुत देखते थे, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे अगर क्रिकेट मैच आ रहा है वो। तो मैंने भी फिर ये सोचा क्यों ना मैं इसी लाइन, जब मैं मेरे को भी इंटरेस्ट है तो क्यों ना मैं इसी लाइन में अपना करियर बनाऊं। और जो दिल्ली में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो मेंस क्रिकेट का और वुमेन्स क्रिकेट में मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, कितना अलग है दोनों? वैसे तो डिफरेंस है काफी मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट में, बट देखा जाए पहले से वुमेन्स क्रिकेट काफी डेवलप हुआ है, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे पहले बहुत कम मैचेस मिलते थे वुमेन्स क्रिकेट को, अब मैचेस मिले हैं, और जैसे कैंप भी बहुत कम लगते थे वुमेन्स क्रिकेट के, हार्डली 10 days 15 days। तो अब महीने बहुत सारी एसोसिएशंस है जहाँ पे महीने महीने के कैंप लगते हैं। हमारी खुद दिल्ली दिल्ली टीम दिल्ली एसोसिएशन है जहाँ पे 1 महीने के कैंप लगते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट अभी मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना डेवलप नहीं है वुमेन्स क्रिकेट, बट आई होप कि आने वाले टाइम में काफी वुमेन्स क्रिकेट डेवलप हो, क्योंकि पहले कोई वुमेन्स क्रिकेटर को इतना जानता नहीं था, बट आज के टाइम में काफी लोग हैं जो इवन वुमेन्स के मैचों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और वुमेन्स क्रिकेट को जानते हैं। करेक्ट। तो फिर आपने जब वुमेन्स का नेशनल टीम में आया, मतलब जब नेशनल लेवल पे खेल रहे थे इंटरनेशनल से पहले, तब जी आपकी जो मम्मी का परसेप्शन था वो कैसे चेंज हुआ आपको खेलता हुआ देख के, अभी अच्छा कर रही है करके? जब वैसे तो मम्मी मेरे भी मम्मा वर्किंग है, तो मतलब इतना टाइम नहीं रहता था उनको कि वो मेरे मैचेस देखने आए हैं या, तो जब मैं जाती थी ट्रायल या कैंप पे तो बहुत लोग होते थे जिनके फादर मदर आते थे मैचेस देखने, और पूरा पूरे कैंप में वो सुबह से शाम तक बैठे रहते थे। तो मुझे भी रहता था कि मम्मी एक बार आप आओ तो सही, प्लीज एक बार मेरे मैचेस तो देखो। तो ज्यादा तो नहीं, 1-2 मैचेस कभी कभी मम्मी मेरे देखने आते थे। और जब जैसे उनको पता चला, जब मैं U19 खेली, फिर मैं U23 की कैप्टन बनी, और फिर मैंने सीनियर टीम रिप्रेजेंट की, परफॉर्म किया, तो मतलब उनको लगा कि ये अच्छा कर रही है। और बाकी जैसे मेरे कोचेस वगैरह थे तो वो भी बोलते थे कि ये अच्छा कर रही है और ये एक दिन जरूर इंडिया रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे मम्मी का वो चेंज हुआ कि फिर वो मतलब इंटरेस्ट, उनको क्रिकेट का सी भी नहीं आता था, बट जैसे जैसे मेरा वो देखा तो काफी इंटरेस्ट लेने लगे, और मुझसे इवन पूछते थे आज तेरा मैच है तूने क्या किया बैटिंग में, क्या किया बॉलिंग में। तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट हुआ और वो सपोर्ट मेरे को करने लगे। और फिर जब आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए तो वो नेशनल कॉल अप आपको कैसे आया? आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, कहाँ थे, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए? मेरा U19 इंडियन रेलवे था का कैंप लगा हुआ था मुंबई में, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब मैं प्रैक्टिस करके डॉर्मेट्री में गई तो मैंने अपना फोन चेक किया, तो मुझे बीसीसीआई से कॉल आया हुआ था। मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ऐसे कॉल आएगा या क्या है। उस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कैंप चल रहा था बैंगलोर में, तो मैंने उनको बैक कॉल किया और मैंने पूछा, मुझे लगा किसी ऐसी किसी काम के लिए या शायद कुछ किसी चीज के लिए मुझे कॉल आया होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट हो गए और आपको अब श्रीलंका जाना है। तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, वो फीलिंग ही मतलब एकदम आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है और फिर आपको ऐसे कॉल आए, तो मतलब मैं ब्लैंक थी, वो फीलिंग नहीं फेयर कर पा रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं। तो 5 मिनट तक तो मैं ऐसी थी, तो जो मेरे साथ और डॉर्मेट्री में थे वो कह रहे क्या हो गया तुझे क्या हो गया। तो फिर मैंने उनको बताया, वो तो सारे ऐसे मतलब सेलिब्रेट करने लगे, और मतलब मैं ब्लैंक थी कि मैं क्या करूँ अब, मतलब वो फीलिंग ही शेयर नहीं कर पाई मैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और जो इंडिया के कैंप में फर्स्ट डे था आपका, वो याद है आपको कि मतलब आप कैसे गए अंडर ड्रेसिंग रूम में या होटल में, वैसे सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, आप किस किस को ऑब्जर्व किया था? वैसे जो इंडियन टीम्स पे काफी प्लेयर्स हैं जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जो वो रेलवे टीम में भी मोस्टली वही प्लेयर्स हैं, तो पहले अच्छा। मैं उनसे मेरा इंटरेक्शन हो चुका था। मैं भी रेलवे की सीनियर टीम रिप्रेजेंट की थी, मैंने काफी लोगों को जान चुकी थी मैं वहां पे, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जैसे मैं झूलन गोस्वामी दी एंड ऑल भी थे, तो उनसे मतलब
वो भी फास्ट बॉलर है, मैं भी फास्ट बॉलर हूँ, तो मतलब एक ऐसी एक्साइटमेंट थी कि वाह यार, मतलब कि दीदी क्या करते हैं, ड्रेसिंग रूम में कैसे हो, तो मतलब मैं ये सब चीजें वो इसके लिए एक्साइटेड थी कि मेरे इतने सीनियर्स प्लेयर हैं और इंडियन टीम्स प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम से शेयर करना, तो वो एक फीलिंग बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी मेरे लिए। और जब मैं वहां गई कैंप, जैसे हम होटल्स वगैरह गए, तो मतलब जब मैं वहां पे होटल्स वगैरह गई, तो मतलब थोड़ा सा नर्वस थी कि यार इतने सीनियर्स प्लेयर हैं। जैसे मैच से फर्स्ट डे, हम मैच से एक दिन पहले हमारी प्रैक्टिस थी ग्राउंड पे, तो मैं ग्राउंड गई, तो थोड़ा सा मतलब उन लोगों को, अब जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में थोड़ा सा फर्क है, मतलब उनकी प्रैक्टिस और ये सब चीजों में थोड़ा फर्क है, तो थोड़ा सा नर्वस थी मैं कि यार ग्राउंड पे क्या होगा और कैसे क्या करेंगे, बट जितने भी मेरे सीनियर्स प्लेयर थे उन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया हर चीज में, तो अच्छा लगा मेरे को, फीलिंग्स काफी अच्छी थी। और आप मतलब ऑब्वियसली जो इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, वुमेन्स क्रिकेट स्पेशली, वो लोग एज अ फास्ट बॉलर झूलन दीदी को बहुत मानते हैं, झूलन गोस्वामी को। तो हाँ जी बट आप जब इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए, आपको मालूम पड़ा कि आप उनके जगह पे ही सिलेक्ट हो रहे हैं और आप उनके साथ बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैसा लगा? पहले मतलब हेलो, एक बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो मतलब आपको जब मालूम पड़ा कि आप झूलन गोस्वामी को रिप्लेस करने वाले हो और आप उनके साथ बॉलिंग नहीं डालेंगे, मतलब मैच में, जो मतलब एक अलग ही ड्रीम होता है सारे वुमेन क्रिकेटर्स के लिए, तो आपको ये मालूम पड़ा कि अब झूलन गोस्वामी नहीं खेलने वाले, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअल में मुझे पहले नहीं पता था कि मैं उनकी जगह रिप्लेस कर रही हूँ, उनको इंजरी हो गई थी कैम्प में, तो जब मुझे कॉल आया था तो मुझे ये नहीं बताया था कि आप उनकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। जब मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैं उनकी जगह रिप्लेस कर रही हूँ, तो पहले मुझे ये था कि वाओ दीदी के साथ मैं ड्रेसिंग, एक्चुअल में वो मेरे रोल मॉडल है, मैं हमेशा काफी चीजें उनकी स्टोरीज एंड काफी वीडियोज वगैरह देखती हूँ, तो मतलब मेरे को एक बहुत वो था कि वाओ एक मतलब मुझे मौका मिला है उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का। फिर जब मुझे वहां जाके पता चला कि ऐसे मतलब पता चला मेरे को कि मैं दीदी की जगह रिप्लेस कर रही हूँ, अच्छा तो लगा मेरे को कि मतलब उन एक अपने रोल मॉडल की जगह वो कर रही हूँ, लेकिन काफी वो भी रहा कि शायद मैं काफी चीजें उनसे सीख सकती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं उनसे सीखती, तो थोड़ा सा बुरा लगा मेरे को कि ये एक अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी है, नहीं मिली मेरे को। और जब आपको मालूम पड़ा कि अभी नेक्स्ट डे आपका डेब्यू करने वाले हो श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो कैसा फीलिंग था आपको? गूजबम्स वगैरह आए होंगे या, और वो आपको न्यूज़ किसने दिया कि आज आप खेलने वाले हो करके, ये वाला मैच? मेरे को पता नहीं था कि मैं नेक्स्ट डे खेलने वाली हूँ, मुझे मॉर्निंग तक भी नहीं पता था, तो जब मॉर्निंग में वार्म अप एंड ऑल के बाद हमारी मतलब टीम वगैरह अनाउंस होनी थी, तो वहां पे मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी और थोड़ा शॉकिंग भी थी कि वाह यार मतलब सच में मैं आज खेल रही हूँ, तो थोड़ा सा शॉक था मेरे को। तो हमारी फर्स्ट बैटिंग थी, तो बैटिंग के टाइम पे पूरा मेरे को मतलब यही था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मतलब वो पूरा टाइम थोड़ा नर्वस थी, फर्स्ट मैच था वो भी कंट्री के लिए, तो थोड़ा नर्वसनेस थी मेरे को। फिर जब आप जो वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आप लोग खेल के आ गए, आप लोग वो जीते भी हो टूर्नामेंट, फिर वहां से आने के बाद आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए इंडिया खेलने से पहले और इंडिया खेलने के बाद? हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो जब मैंने इंडिया इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया, इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के आई, उसके बाद भी मैंने इंडिया ये खेला, बट उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा सा मेरी लाइफ में मतलब मेरे प्रोफेशनल क्रिकेट क्रिकेट लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट जो बट उस टाइम पे मैंने जो उस लेवल पे या उससे पहले जो जो चीजें सीखी उन चीजों पे वर्क किया और उन चीजों के बारे में सोचा अपने गेम के लिए, तो उससे काफी चीजें सीखकर मैंने अपने गेम को फिर से उस चीज से उठाया।
और जितने भी जैसे कोई वुमेन क्रिकेटर्स आपको देख रहे हैं, तो मतलब आप स्पोर्ट्स को या क्रिकेट को वुमेन्स कम्युनिटी में कैसे मतलब इंस्पायर करना है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? बस यही बोलूंगी मैं कि लोगों को कि जैसे एक वुमेन्स क्रिकेटर है या एक क्रिकेटर है या एक कुछ भी है, तो हमें मतलब जो भी चीज है, हम जैसे मैं बैट्समैन है या बॉलर है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब हमारे माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि हम कोई चीज किस चीज के लिए, मतलब कोई भी काम किस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर मैं आज बॉल डाल रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस चीज के लिए डाल रही हूँ। मतलब हमारे माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, तभी उन चीजों का फायदा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और जो आप जब इंडियन टीम में वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे थे, तो मतलब वहां पे आप लोग का ट्विन शेयरिंग रूम था या सबको अलग अलग रूम था, और मतलब आपका रूम पार्टनर वगैरह कौन था उस टाइम पे? ट्विन शेयरिंग रूम था, मेरे रूम पार्टनर वेदा दी थे, तो मैं काफी खुश थी क्योंकि मैं रेलवे टीम में भी दीदी रेलवे टीम में थे, तो मैं उनको पहले से ही जानती थी, तो काफी अच्छा लगा मेरे को उनके साथ। और वो थोड़ा सा मतलब फनी एंड ऑल टाइप है, कभी बोर नहीं हो सकते आप उनके साथ, हमेशा हंसाते रहते हैं। तो जब मुझे पता चला वो मेरे रूम पार्टनर है तो मेरे को काफी खुशी हुई कि और मैं चलो इनको अभी पहले से अभी जानते हैं। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको रैपिड फायर उसके आंसर देना है। आपका फेवरेट क्रिकेटर, फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट क्रिकेटर मेल और फीमेल दोनों? फीमेल झूलन गोस्वामी एंड मेल सुरेश रैना सर। आपका फेवरेट ग्राउंड जहां पे आप क्रिकेट खेले हो, और एक ग्राउंड ऐसा जहां पे आप आगे खेलना चाहते हो? ये दिल्ली का DDC ग्राउंड जहाँ पे मैं खेली हुई हूँ, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम जहाँ मैं खेलना चाहती हूँ। आप एनसीए में तो गए रहेंगे ना, उस टाइम पे नहीं खेला वहां पे चिन्ना हमारे स्वामी कैंप्स वगैरह रहते थे, मतलब ऐसे मैचेस वगैरह हमें उधर खेलने के लिए नहीं मिलते थे, अलूर जाते थे हम मैचेस वगैरह खेलने। पे? हाँ, और एक ऐसा मैच हिस्ट्री का जो आप चाहते हो कि यार काश मैं भी वो मैच की एक पार्ट होती? जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल था तो मतलब मैं चाहती थी कि शायद मैं भी उस मैच का पार्ट होती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मैच था जो हम जीते थे, तो मैं चाहती मैं मतलब मेरा भी वो था कि मैं भी शायद प्लेइंग 11 में होती। आपका फेवरेट शॉट इन गली क्रिकेट? इन गली क्रिकेट हाँ मेरा स्वीप शॉट बहुत फेवरेट शॉट है। और आपका फेवरेट आईपीएल टीम? मुंबई इंडियंस। आवाज नहीं आया आपका। फेवरेट आईपीएल टीम आपका? हेलो, हाँ, फेवरेट आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। अभी बीच में हमने सुना था कि एक मैच होने वाला है जैसे वुमेन्स क्रिकेट वर्सेस और मेंस क्रिकेट मिक्स, तो आप भी ऐसा कोई मैच का पार्ट बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं वुमेन्स अलग रखो मेंस अलग रखो? नहीं, बिल्कुल मिक्स जेंडर मैच होना चाहिए, वुमेन्स वर्सेस मेन्स। और आपका एक प्लेयर जिसको आप सोचते हो कि यार मेंस क्रिकेट से जिसको आप बॉलिंग डालना चाहते हो, और एक प्लेयर जिसको आप फेस करना चाहते हो एज अ बैट्समैन मेंस क्रिकेट से? हाँ मैं एज अ बैट्समैन मैं सुरेश रैना सर को, मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं उनको बॉल डालना चाहती हूँ। और बैट्समैन में मैं भुवनेश्वर कुमार। बॉल ज्यादा स्विंग होगा लेकिन थोड़ा संभल के। और अभी हम लोग को बताओ कि जो फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए, और जैसे इतना लॉकडाउन चालू है आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो आप घर में कैसे अपना फिटनेस को मेंटेन कर रहे हो? जैसे लॉकडाउन है अभी, बाहर नहीं जा पा रहे, फिटनेस है, तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर में कर सकते हैं।
और एक एज अ प्लेयर या एज अ एथलीट कुछ भी कहें आप, फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. स्किल्स फिर भी हम कवर अप कर लेते हैं, लेकिन फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए. फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अभी लॉकडाउन में जैसे हम नहीं जा पा रहे, लेकिन घर में हम ऐसा बहुत बहुत सारी एक्सरसाइज या वर्कआउट है. इवन मैं भी ऐसे हेलो, हाँ, अभी आवाज कट हो गया था आपका। तो ऐसे बहुत सारा वर्कआउट है जो हम घर में कर सकते हैं, जिससे अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी या ये सब चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं. तो एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिटनेस. मैं एज अ पर्सनल बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि स्किल से ज्यादा फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए. और आप अर्ज करेंगी सारी जो वुमेन्स कम्युनिटी है उनको एटलीस्ट एक स्पोर्ट पिक करने के लिए? सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मतलब सारे वुमेन्स कम्युनिटी जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज कि सबको एक स्पोर्ट एटलीस्ट पिक करो। कितना इम्पोर्टेंट होता है स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स चीज तो खेलो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बट एक स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है एक के लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है. एक वुमेन्स हो चाहे मेन्स हो, वो क्योंकि स्पोर्ट्स से ऐसे मतलब एक तो हम सबसे जरूरी है कि जैसे हम वर्किंग टाइम होता है, जैसे लोग ऑफिस जा रहे हैं या जो है, तो बहुत जैसे वो फिटनेस नहीं कर पाते या फिट नहीं रह पाते. उससे हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां या एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं. तो एक स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को लगता है इन सब चीजों से शायद इसलिए भी दूर रहता है क्योंकि जब हम फिट रहते हैं तो ये सब चीजें भी हमारी बॉडी में इतना कुछ वो नहीं रहता. और अगर मैं जैसे क्रिकेटर हूँ तो एज अ प्लेयर मैं ये कहूंगी कि जैसे फिटनेस अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं फिट हूँ, मतलब फिटनेस से बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती है हमारी बॉडी में. और एक जैसे लॉकडाउन चल रहा है पूरे कंट्री में, तो उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे आपके फैंस को? लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो यही बोलूंगी कि घर पे रहें और सेफ रहें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे. ये कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, तो सिर्फ इसका सिर्फ एक यही इलाज है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और घर पे ही रहें. आप भी सेफ है और इससे आपकी फैमिली भी सेफ है. तो स्टे होम एंड और स्टे सेफ. जितना और चलो, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। वी थैंक यू होप कि सो आप मच. जल्दी से जल्दी इंडिया के लिए कम बैक करें। अभी तो थैंक यू बहुत सो मच. बड़ा करियर और बहुत बड़ा जर्नी बाकी है आपका। थैंक यू होप सो टू मच सी यू मुकेश सून इन द जी. ब्लू जर्सी। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.